बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आज रिजल्ट जारी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने मंगलवार 21 मार्च को 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद से मैट्रिक के छात्र और छात्राएं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार आज खत्म होने वाला है। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 16.37 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें 8,31,213 छात्राएं और साथ ही 8,03,201 छात्र शामिल हुए थे। 16.37 लाख परीक्षार्थियों के लिए 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 14 फरवरी से 22 फरवरी तक दोनों पालियों में परीक्षा को आयोजित की गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इंटर की तरह ही मैट्रिक का रिजल्ट बेहतर रहेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पिछले साल 2022 में 31 मार्च को जारी किया गया था। बीते साल 2022 में 10वीं की परीक्षा में 16,11,099 छात्र शामिल हुए थे। बताते चले कि इसमें से 12,86,971 उम्मीदवारों ने परीक्षा को पास की थी। इसे प्रतिशत में देखें तो साल 2022 में बिहार बोर्ड 10वीं में कुल 79.88% छात्रों ने परीक्षा को पास की थी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट मोबाइल से एसएमएस के जरिए भी चेक किया जा सकता है। छात्रों को एसएमएस के जरिए रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार 10 टाइप कर अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 56263 पर भेजना होगा। रिजल्ट आने के बाद आप अपने रिजल्ट को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। छात्र सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। रिजल्ट खुल जाएगा, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि आप इसके अलावा biharboardonline.bihar.gov.in, onlinebscb.in, secondary.biharboardonline.com इस पर भी जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पिछले साल 2022 में बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा पूरी होने के सिर्फ 34 दिनों के भीतर 31 मार्च 2023 को जारी कर दिया गया था। 2022 में बिहार बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।